में हमारे बीच पंडित मुन्ना शर्मा जी, इनसे विस्तार रूप से बात करते हैं। बाबा प्रणाम। दीपावली की पहले आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि नारायण आपकी चैनल में और दिन दुगुना रात चौगुना करें। अभी बाबा ग्रहण लगी हुई है, उसमें तमाम मंदिरों के पट्टे जो है वो बंद है। ऐसी स्थिति में जो गर्भवती महिलाएं हैं क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपने इस महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बहुत से कॉल जो हैं हमारे पास भी आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि बाबा अभी हमारी बहू को प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, बालक होने वाला है, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो आपने भी सवाल यही किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो है, आज जो है दिनांक 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले छूतक लगता है, चंद्र ग्रहण में 8 घंटा पहले छूतक लगता है। तो ग्रहण का अवधि है 4:30 बजे के ले 5:30 बजे के अंदर 40-45 मिनट का यह ग्रहण काल है। इस ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह का चहल पहल नहीं करना चाहिए। अपने वेट पर या जमीन पर या किसी अच्छे स्थान पर बैठकर भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। अपने हाथों से किसी भी अस्त्र शस्त्र या चाकू या घर में प्रयोग करने वाले किसी भी शस्त्र को उसका कार्य उससे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रह के प्रभाव से उस गर्भ में पल रहे बच्चों का यह जो है, किसी प्रकार से आपने देखा है कि कोई कोई बच्चे को अंग भंग हो जाता है या किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का बाधा या किसी प्रकार का चिन्हित या शरीर में पड़ जाता है, क्योंकि जो माता उस समय अपने हाथों से इस्तेमाल करेंगी उसका प्रभाव अस्त्र शस्त्र चलन या कार्य में जो पड़ेगा वह बालक पर छाया उसकी प्राप्ति होगी। देखो, छाया ग्रह जब भगवान सूर्य पर लग सकता है, जब चंद्र पर लग सकता है, तो हम मनुष्यों पर उस माता के द्वारा किए गए कार्य को, वह गर्भ में पल रहे बच्चों को प्रभाव बुरा पड़ता है। इसी से बच्चे के शरीर में कभी कभी जो है टेढ़ापन या चलन अंग भंग यह नजर आता है, यह ग्रह गोचर का ही प्रभाव रहता है। ये बताइए बाबा, एक और सवाल है क्या कि ग्रहण समाप्त होने के बाद महिलाओं को क्या करना चाहिए और खासकर पुरुषों को क्या करना चाहिए? देखो, गर्भवती महिलाओं को आप जब ग्रहण लगता हो उस समय एक श्रीफल यानी नारियल लेकर बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, नारायण का ध्यान करना चाहिए, और इस सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए ग्रहण काल में किसी प्रकार का भी अस्त्र शस्त्र उच्चार धारण ना करें और ना ही किसी प्रकार का जलपान वगैरह करें, जल ग्रहण करें। ऐसे तो छूतक में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बीमारियों को, अस्वस्थ को और बालक को और बूढ़ेपन को या क्षम्य है या रोग बाधा से ग्रसित हैं उनके लिए भी क्षम्य है, या अपनी औषधि ले सकते हैं, जलपान कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल तक कम से कम यह सब वर्जित है, नहीं करना चाहिए। और महिलाएं जो श्रीफल लेकर नारियल लेकर बैठती हैं आसन पर, भगवान का ध्यान करती हैं, वो ग्रहण के बाद गंगा में प्रवाह कर दें, स्नान कर पवित्र होकर शुद्ध होकर भगवान का दर्शन करें, नारायण का नाम जपें, इस मनुष्य के कल्याण के लिए, उस गर्भ में पल रहे बालक नंद गोपाल कृष्ण के लिए आप जो है भगवान श्री नारायण का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ये थे पंडित मुन्ना शर्मा जी, और विस्तार रूप से खास करके जो ग्रहण का जो छूतक जो है लगा हुआ है अभी फिलहाल महिलाओं, और वो महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको लिए एक संदेश है, और इसको पालन करें तभी आपका फिर एक नए जीवन, नए उम्मीद के साथ में रहेंगे। हमारे पीछे जब देखेंगे तो यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी ताला लगी हुई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान पर ग्रहण लगना एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि खासकर हिंदुओं में एक मान्यता है कि अगर भगवान को ग्रहण लगता है, आम जन को अगर ग्रहण आ जाता है तो बहुत लोग दिखलाते हैं, लेकिन भगवान पर ग्रहण कष्ट होता है। इस पर आप बिल्कुल सचेत रहें। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए।